हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सनऑफ स्मार्ट स्विच की अनबॉक्सिंग और इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। ये एक स्मार्ट स्विच इसलिए कहलाता है क्योंकि ये हम अपने मोबाइल से वाईफाई के थ्रू कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। दुनिया किसी भी कोने से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। प्लस हम इसको अपने टाइम भी डाल सकते हैं, जिससे जिस टाइम हमें इसको ऑन करना हो ये ऑन हो जाए और जिस टाइम हमें ऑफ़ करना हो ये ऑफ़ भी हो जाए। ये स्विच हमारे गूगल होम और एलेक्सा से भी चल सकता है। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए हमारे साथ क्या क्या सामान आया है। ये पेच इसके, ये डिवाइस है, ये क्वालिटी पास और एक इसका ये मैनुअल भी है। आप देख सकते हैं मैनुअल आया है साथ में। ठीक है, चलो सारी चीजें हमारे भी आ गई। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं। ये इसका इनपुट है, ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। तो इनपुट में हम सबसे पहले 220 वोल्ट के कनेक्शन करेंगे। ये हमने खोल लिया और अब हम यहाँ पे इसका कनेक्शन करेंगे यहाँ पे। और ये इसका आउटपुट है, देख सकते हैं आप आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट के तार लगाते हैं। तो इनपुट में हम ये केबल कस देंगे। आइए हम यहाँ पे सबसे पहले इसे कस देते हैं इनपुट में। और ये हमारे आउटपुट में हमने 220 वोल्ट लगा दिए हैं और ये आउटपुट में हमने इसके बल्ब के तार लगा दिए। तार लग चुके, पावर में लगा दिया, पावर में लगा दिया। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये लाइट ब्लिंक करने लग गई है। ये देखिए मैनुअली काम कर रहा है बल्ब। जब स्विच ऑन होगा तब इसका इंडिकेटर का लाइट ब्लू से रेड हो जाएगी, विच मींस कि स्विच ऑन हो चुका है। वाईफाई से कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो दिखाएंगे। इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, अभी ये वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको कुछ सेकंड के लिए दबा के रखना है। अब आप देख सकते हैं ये ब्लिंक तेज तेज करने लग गई है। अभी ये इसके अपना वाईफाई के थ्रू कनेक्शन मोड में आ गई है। अब इसके अंदर हम वाईफाई की सेटिंग डालते हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको ईवी लिंक सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है और फिर हम देखते हैं उससे ये कैसे कॉन्फ़िगर होता है। हम अपने मोबाइल में ईवी लिंक की ऐप खोलेंगे और फिर हम इसमें ऐड डिवाइस में जाएंगे और इसमें कंपैटिबल मोड में इसका बटन दबाएंगे। इसमें हमारी वाईफाई की सेटिंग दिखाई दे रही है, जो हमारे घर में वाईफाई की सेटिंग है। अब हम दोबारा से वाईफाई में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। ये ITEAD के नाम से यहाँ पे शो होगा। इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 करके इसको हम ज्वाइन करेंगे। अब ये हमारा देखिए वाईफाई ज्वाइन हो जाएगा। ये देखना, ये ज्वाइन हो चुका। फिर वापस हम अपनी ऐप में आएंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही ये देखिए हमने ऐप दोबारा खोल लिया है और हमने नेक्स्ट किया, ज्वाइन कर लेंगे। और ये आप देखिए हमारा नया वाला स्विच इसके साथ कॉन्फ़िगर हो गया है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप यहाँ पे उसका नाम डाल सकते हैं। क्योंकि हमने ये गेट की लाइट के लिए लगाया है तो हमने गेट लाइट ऑफिस इसका नाम डाल दिया है। ये देखिए, और इसको सेव कर देते हैं। ये हमने इसको सेव कर दिया ये इस नाम से। अब हमें ये डिवाइस हमारे ईवी लिंक सॉफ्टवेयर में दिखाई दे रही है। देखिए ऑफिस गेट के नाम से ये लाइट आ चुकी है सबसे ऊपर, देखिए गेट लाइट ऑफिस। और ये देखिए हम इसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, ये काम कर रही है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये देखिए ऑन ऑफ। अपने बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले जो हमें लाइट कनेक्ट करनी है उसका तार हमने देख लिया। ये वाला हमारा तार है जो हम अपने, जो हमारा बल्ब वाईफाई से चलेगा। ये एक हो गया लाइन, ये हम इसका न्यूट्रल ले रहे हैं और एक न्यूट्रल में हमने यहाँ से तार ले लिया और एक ये फेस। ठीक है, अब हम लगा दिया है।
और यहाँ पे इसको कस देते हैं। न्यूट्रल का तार इसमें लग चुका है, ठीक है। ये हमने इसका न्यूट्रल ये फेज इसमें लगा दिया है। अब ये जो न्यूट्रल ऊपर जा रहा था इसको भी हम इसमें जोड़ देंगे, इसमें टाइट कर दिया है न्यूट्रल का तार, हमने न्यूट्रल में टाइट कर दिया है। ये हमने लगा दिया, अब इस पर फोटो खींच फोटो। अब हम स्विच ऑन कर रहे हैं, ये आप देखिए इसमें पावर आ गई है। ये हमने इसके कवर लगा दिए, फिक्स ब्लू लाइट शो करती है कि वाईफाई से ये स्विच कनेक्ट हो चुका है। आइए मोबाइल के थ्रू अब हम इस लाइट में शेड्यूलिंग करते हैं कि कब ये लाइट ऑन हो और कब ये ऑफ हो। शेड्यूल में गए, यहाँ पे ऐड किया और हमने यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लिया जब हमें इसको ऑन या ऑफ करना है। सपोज़ हमने टाइम ले लिया शाम 6 बजे का 18, और हमें ये लाइट रोज़ जलानी है तो हमने ये सारे सेलेक्ट कर लिए और एवरीडे आ गया यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि ये ऑन का एक हमारा सेव हो चुका है। अब एक और बारी हम इसमें जाएंगे और एक ऐड और करेंगे। सपोज़ हमें इसे बंद कितने बजे करना है, तो हमने इसका टाइम रखा है सुबह 6 बजे ये बंद हो जाए हमारी लाइट, तो हम इसमें टाइम फिक्स करते हैं। ये हमने टाइम डाल दिया 6:05 पे, ये हम इसको बंद करना चाहते हैं एवरीडे। तो हमने सारे संडे मंडे सेलेक्ट कर लिए और ये अब यहाँ पे एवरीडे लिख के आ गया रिपीट में, और एक्शन बटन ऑफ, ये लाइट ऑफ हो जाए और इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये हमारी शेड्यूलिंग होगी, रोज़ ये शाम को 6 बजे जलेगी और सुबह 6:05 पे बंद हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने शेड्यूल कर दिया है। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है इस लाइट को ऑन और ऑफ करने के लिए। फर्मवेयर को अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है, जब भी इसका अपडेट आता है तो आप उसको बड़ी ईजिली अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए अपग्रेडिंग दिखा रहा है आपको, करंट वर्जन इज 3.4.1 और अपग्रेड हो जाएगा 3.4.5 पे। ये देखिए हमारी लाइट अपग्रेड हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे कितने सारे स्विच इसमें आपको दिखा रहा है, जितने भी ब्लू कलर के शो हो रहे हैं इसका मतलब ये सारे अभी ऑनलाइन हैं, और जो ग्रे कलर में आ रहा है वो डिवाइस ऑफलाइन है। जैसे डिवाइस ऑफलाइन है, ये देखिए होम से भी ऑफलाइन। ये देखिए हमने दूसरा खोल लिया ड्राइंग रूम का, इसमें हमारे फैन 1 फैन 2 वाटर लाइट लाइट्स, ये देखिए हमने बटन दबाया फ़ैन ऑन हो गया फ़ैन ऑफ हो गया। अब हम दूसरे में चलते हैं किचन, किचन में हमारा प्रोफाइल लाइट, टीवी, एलेक्सा, कैमरा, कुछ भी हम इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी हमने एलेक्सा ऑन कर दिया, फिर प्रोफाइल लाइट ऑन कर ली, ये ऑफ कर दी बड़ी ईजिली, ये आप देख सकते हैं। अब हमने डाइनिंग रूम में चले गए हैं, सीलिंग लाइट, ट्यूब लाइट, फिश लाइट, फ़ैन, कुछ भी हम इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं बड़ी ईजिली मोबाइल से, कहीं से भी कर सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने से। ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे ही हों, आप कहीं से भी ये लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ऑफिस गेट लाइट, ऑफिस जो भी हमने इंस्टॉल किया था ये भी दिखा रहा है ऑन ऑफ। ये देखिए हमने इसमें गए, ये इसका शेड्यूलिंग दिखा रहा है, 6 बजे सुबह बंद हो जाएगी और ऑफ हो जाएगी। इसी तरीके से हम हर एक की शेड्यूलिंग देख सकते हैं। ये हॉस्टल के लाइट्स हैं, इसमें आप देखते हैं शेड्यूल, हमने इतने सारे शेड्यूल बना रखे हैं, इसमें आप जितने कितने भी शेड्यूल ऐड कर सकते हैं, ये आपकी लाइट काम करती रहेगी। आइए अब इस सॉफ्टवेयर के अलग अलग फीचर्स देखते हैं। ये देखिए टाइमर भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे बड़ी इजीली। फिर है ऑल ऑन ऑल ऑफ, ऑल ऑन करते ही सारे स्विच एक बारी में ही ऑन हो जाएंगे जो भी मेन स्विच से जुड़े हुए हैं, और ऑल ऑफ करते ही सारे स्विच जो चारों स्विच है वो एक बारी में ऑफ हो जाएंगे। देखते हैं अमेजोन एलेक्सा से कैसे काम करता है। हमने एलेक्सा खोल दिया है और अब हम इसकी सेटिंग में आ गए हैं, डिवाइस में जाएंगे तो ये हमें सारी जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं आप देख सकते हैं, सारे अलग अलग स्विचेस आपको इसके अंदर दिख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी डिवाइसेस इसके अंदर शो हो रही हैं जो हमने इसके साथ कनेक्ट कर रखे हैं। सारी डिवाइसेस आपको इसके अंदर दिख रही है, अलग अलग सारी डिवाइस दिखती है, क्योंकि एलेक्सा से हम कोई भी एक पर्टिकुलर डिवाइस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं खाली वॉइस कमांड दे के, और मैनुअली भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं कोई भी डिवाइस को। ये देखिए हमने इसकी पावर, किचन प्रोफाइल की पावर ऑन ऑफ कर रहे हैं हम यहाँ से मैनुअली।
यहाँ पे आप कोई भी डिवाइस को ऐड करना हो तो ऐड डिवाइस में जाइए और जो भी आपकी कंपनी की डिवाइस है उसको डालिए। जैसे हमारी ये ईवी लिंक की, हम ईवी लिंक सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए डिस्कवर डिवाइस। अब ये हमारी डिवाइस डिस्कवर कर रहा है और जो भी हमारी नई डिवाइस होगी वो हमारी लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये 45 सेकंड लेगा और जितनी भी डिवाइस हैं वो आपकी लिस्ट में शो करने लगेगा। ये देखिए हमारी लिस्ट पूरी तैयार हो गई है, जो भी नई डिवाइस होगी वो इसके अंदर ऐड हो गई होगी। अब हम आपको देखते हैं और हमारी गेट ऑफिस लाइट थी वो नीचे इसमें शो हो रही होगी। ये देखिए हम आ गए हैं इसमें नीचे और ये आ गई हमारी ये गेट लाइट ऑफिस दिखा रहा है आपको। आप देख सकते हैं नीचे से चौथी डिवाइस बड़ी इजीली हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हम मैनुअली भी यहाँ से ऑन ऑफ कर रहे हैं उस डिवाइस को। ये देखिए सारी डिवाइसेस मैनुअली भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एलेक्सा से हम कोई भी डिवाइस रिमूव भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा ये ऑफिस 2 है, हम इसमें गए, हमने डिलीट का बटन दिया और ये हमारी रिमूव हो चुकी है। क्रिएटिव ऑफिस 2 हैज़ बीन रिमूव्ड। ये देखिए क्योंकि ये ऑफलाइन हो चुकी थी हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। जितनी भी ग्रीन दिखा रही है आपको दिखा रही है सारी डिवाइसेस ऑनलाइन है। देखिए हर डिवाइस के नीचे ग्रीन दिखा रहा है वो मीन्स ऑनलाइन डिवाइसेस हैं जो हमारे नेटवर्क पे अभी शो हो रही हैं। हमने एक वाइड एरिया नेटवर्क बना रखा है जो हमारे 3 डिफरेंट लोकेशन की लाइटें इसमें आपको सारी दिखाई दे रही हैं। आइए मैनुअली ये स्विच कैसे काम करता है हम आपको दिखाते हैं। ये स्विच लगा हुआ है और मैनुअली हम ये देखिए लाइट हमने जला दी है। ये देखिए अब हम फैन जला रहे हैं, ये फ़ैन की लाइट जल जाएगी, ये आप देख सकते हैं ये फ़ैन ऑन हो गया है। अब हम बॉटल की लाइट जलाएंगे वो ऑन ऑफ हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है। वॉइस कमांड से भी हम अपनी कोई भी डिवाइस ऑन कर दे, एलेक्सा स्विच ऑन किचन टीवी। ये देखिए टीवी ऑन हो चुका है, टीवी ऑन हो चुका है लेकिन पिक्चर में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए टीवी आ गया है, एलेक्सा स्विच ऑफ किचन टीवी और ये टीवी हमारा ऑफ हो जाएगा। होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत कितनी आसान तरीके से हम कोई भी स्मार्ट स्विच अपने एलेक्सा से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और बड़ी इजीली वॉइस कंट्रोल और अपने मोबाइल से कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल सो दैट आगे भी हम फ्यूचर में बढ़िया बढ़िया आपको वीडियो बना के भेजते रहें जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। We'll be right back.